नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में जैसा कि देखा होगा, इसके अंदर जो ये पावर बैंक है, इसमें लिथियम बैटरी ने लगा के मिट्टी भर के बैटरी हमको ये लपेट दी थी और हमसे 150 रुपये ठग लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने इस पूरी पावर बैंक को अपग्रेड किया है। इसके अंदर जो ओरिजिनल लिथियम के बैटरी के सेल लगाए, एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किया है, यानी यहाँ पे मैंने एक सोलर पैनल भी फिट कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, जैसे आप कहीं दूर घूमने जा रहे हो जहाँ पे लाइट नहीं है, जैसे मंगल ग्रह पे जाना है, बुध ग्रह पे जाना है, या हमको चंद्रमा पे घूमने जाना है गर्मियों की छुट्टी में, तो वहाँ पे तो लाइट है नहीं, लेकिन सनलाइट है, तो सनलाइट से भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ही कमाल का हमने जो फीचर्स डाला हुआ है। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और चैनल नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। रिटेलर्स और डीलर भाइयों के लिए ताज़ा खबर, एनर्जी का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में, लोक द डील ऐप। डाउनलोड करें इस ऐप को और पाएं अपनी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स, जैसे इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरीज और इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस। अभी सारे ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, जैसे लुमिनियस, एक्टाइल, लिपगार्ड, अमेरॉन और भी बहुत कुछ। और भी बेस्ट प्राइस और डिस्काउंट हर ट्यूजडे और वेडनेसडे को, एनर्जी की बेस्ट डील्स। किसी भी जानकारी के लिए, डील्स ऑफर डिस्काउंट के लिए सीधा व्हाट्सअप करें, नंबर ये रहा स्क्रीन पर। खोलिए अपनी दुकान लोक द डील ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही डाउनलोड करें। यहाँ पे मैंने इन पावर बैंक को अपग्रेड करने के लिए जो बैटरी ली है वो ये वाली बैटरी ली है। इसमें दो वेरिएंट की बैटरी है, एक ये 1200 mAh की है और एक 2000 mAh की है। आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इनको खरीदने की बात करें, आप इन्हें कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने स्टोर का, वहाँ पे ये बैटरी जो है बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा, मैं ये वाली 1200 mAh की बैटरी का यूज़ करूँगा, जो 1200 mAh की तीन बैटरी। ओके, अब हमें इसके कनेक्शन समझने होंगे, इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, तीनों बैटरी यानी जहाँ पे भी ये छेद से दिखें आपको, ये पॉजिटिव होता है, और जहाँ बिल्कुल सिंपल दिखे इस तरीके से, ये नेगेटिव है, और इस पर लिखा भी होता है, आप देख लो, पॉजिटिव इधर साइड और नेगेटिव ये वाला, तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि इनके पैरेलल कनेक्शन करने होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। तो फ्रेंड्स, चलिए इनके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम इस पर जो है स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, यानी एक स्ट्रिप लगा के। तो हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग नहीं है, तो हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो सोल्डरिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो शाइनिंग है हल्की सी, इसको घिसना होगा। तो यहाँ पर जो हम सोल्डरिंग ईजिली कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वायर लूँगा और इन दोनों वायर को पॉजिटिव को यानी रेड वायर को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे अपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और दूसरी साइड फ्रेंड्स मैं नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं दूसरी साइड भी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको अच्छी क्वालिटी के वायर यूज़ करने हैं और अच्छी तरीके से सोल्डिंग करनी है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दे। अब मैं फ्रेंड्स इन बैटरी को इस पावर बैंक के अंदर यहाँ पे फिट कर दूंगा, और यहाँ पे हमें जो है इसकी वायरिंग करनी होगी। तो आप देख सकते हो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल पे, यानी B+, और इधर B-, तो मैं B+ को यहाँ पे कट करके लगा दूंगा, और B- को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा यहाँ से और यहाँ तक नाप के। इस तरीके से आपको लेना है बिल्कुल एक्यूरेट नाप के। तो ये मैंने इस तरीके से वायर ले लिया। अब मैं यहाँ पे सोल्डिंग करके दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे B- लगेगा बैटरी का और यहाँ पे B+।
फ्रेंड्स यहाँ तक कनेक्शन हो चुके हैं अपनी पावर बैंक के। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड करेंगे, वो है सोलर पैनल का। तो फ्रेंड्स मेरे पास है यहाँ पे काफ़ी सारे सोलर पैनल, आप देख सकते हो काफ़ी टाइप के अलग अलग साइज़ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वो वाला सोलर पैनल यूज़ करूँगा जो इसकी बॉडी पे कम्फर्टली फिट हो जाएगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैं देख लूँगा। तो ये देखिए बड़ा आ रहा है थोड़ा सा, तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास काफ़ी टाइप के हैं और ये भी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इन्हें आप ख़रीद सकते हो। यहाँ पे मैं ये वाला सोलर पैनल, जो ये वाला है, मैं इसे यूज़ करूँगा क्योंकि ये मैंने देखा है एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं कनेक्शन के लिए वायर यूज़ करूँगा, मैं ये वाला कॉपर वायर जो कि मोटर वाइंडिंग में निकलता है। इससे फ्रेंड्स क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये बहुत ही थिन होता है तो हमें अपनी पावर बैंक में कहीं होल वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ये बहुत ही इजीली उसके अंदर चला जाएगा। दूसरी, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है तो इससे शॉर्ट सर्किट का भी हमको कोई डर नहीं रहेगा। और ये प्योर कॉपर का होता है तो ऐसी बात नहीं कि इससे पूरा पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये पूरा करंट भी फ्लो करा देगा। इसको और मजबूत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो है डबल कर दूँगा यहाँ पर इस तरीके से अंटा लगा के। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो कॉपर का वायर होता है इस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है तो इसकी वजह से हम इस पर सोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको इस तरीके से किसी नेफ वगैरह से इसको अच्छी तरीके से यहाँ से इंसुलेशन को हटा लेना है, तो अब इस पर हम जो है ईजीली सोल्डरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हटा लिया, अब मैं इस पर फ्लक्स लगा दूँ और थोड़ा सा इस पर सोल्डर लगा दूँगा इस तरीके से, और अपने सोलर पैनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूँगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर वीडियो की क्वालिटी ख़राब आ रही है या आपको बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर ली इस वायर पे, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि अब पॉजिटिव के साथ इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स नेगेटिव पे भी कनेक्ट कर लूँगा एक वायर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है रिवर्सेबल टेप का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसे यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। आप यहाँ पे जो है ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब मैं इसे यहाँ पे जो है रिवर्सेबल टेप को हटा के इसकी रैपिंग को, तो यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर लिया। और मैं अब अपने नाप के हिसाब से ओके अच्छी तरीके से देखना है आपको, पॉजिटिव किधर लेना है नेगेटिव किधर लेना है, और मैं उसी हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इसे यहाँ पर चिपका दूँगा। तो मेरा ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे जो इसे माउंट कर दूंगा अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, यानी लुकिंग भी अच्छी आनी चाहिए जिससे कि ये ना लगे कि आपने कोई जुगाड़ कर रखा है, ऐसा लगना चाहिए बाजार से लाए हो। तो ये मेरा पीछे का पॉजिटिव हो गया यानी ये वाला, तो मैं इसे जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये वाला जो है नेगेटिव हो गया, तो मैं नेगेटिव को तो डायरेक्ट नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। आपको ध्यान से समझना है कनेक्शन को, अब तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा इसको। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक 4007 नंबर का या आप कोई और डायोड भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर 5399 का डायोड ले रहा हूँ। इसका थोड़ा एम्पियर ज़्यादा होता है, अगर आपके पास 5399 ना हो, ये 5399 ना हो, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर IN4007 जिसका नंबर आपको नीचे से हो रहा है वो भी यूज कर सकते हो। दोनों ही डायोडों का सेम वर्क है, इसका थोड़ा एम्पियर ज़्यादा है इसीलिए मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान से समझना है डायोड को, डायोड की जो व्हाइट साइड है ओके, डायोड में दो साइड होती हैं, यानी ये वाली जो वाइट साइड है ये पॉजिटिव साइड लगानी है आपको, यानी अपनी पावर बैंक का जो पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे इसे सोल्ड कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे सोल्ड कर दिया, और जो ये वाली ब्लैक साइड बची है यहाँ पे हमें पावर बैंक का जो पॉजिटिव है उसे लगाना है, जिससे कि फ्रेंड्स क्या होगा कि जब भी इस पावर बैंक पर लाइट नहीं पड़ेगी यानी अपना सोलर पैनल बंद रहेगा तो ये बैक करंट नहीं जाने देगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे ये डायोड लगा दिया। आपको इसको ध्यान से लगाना है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव को मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, ये हट गया, और इसे अच्छी तरीके से आपको पैक करना है। मैंने ये वायर इसीलिए लगाए पतले वाले कि हमें इसमें कोई काटनी नहीं पड़े पावर बैंक, वरना अगर हम मोटे वायर यूज़ करते तो हमें इसको थोड़ा काटना पड़ता। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सभी वायर्स को अंदर बिठा के और बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो ये देखिए कितनी इजीली फिक्स हो गया, और वायर भी अब इसके अंदर चले गए यहाँ से, आप देखो। तो अब ये पावर बैंक बिल्कुल रेडी है, अब करते हैं इसकी हम जो टेस्टिंग।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अपनी पावर बैंक है वो पूरी तरीके से बनके कंप्लीट है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क कर रही है। तो यहाँ पे जो मैं इसे सबसे पहले आपको मोबाइल चार्जर से चार्ज करके दिखा दूँ और इसकी इंडिकेशन लाइट वगैरह भी दिखाऊंगा। आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चार्जिंग चल गई, यानी अपनी बैटरी पावर बैंक है वो लगभग 75% चार्ज है और 100% के लिए ये चार्ज हो रही है। इसके अंदर जो है 3 लाइट जो है कि ब्राइट हो रही है, लेकिन अभी एक लाइट ब्लिंक कर रही है। तो फ्रेंड्स मैंने अब इसको कम्प्लीटली चार्ज कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको इसकी ब्राइटनेस दिखा दूँ, जो इसकी टॉर्च है इसे भी जला के दिखा दूँ यहाँ पे कि ये जल रही है या नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो लाइट है यानी फ्लैश लाइट वो भी ग्लो हो गई। लाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दिख नहीं पा रही। यहाँ पे आप देख लो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रही है, ये इसकी ब्राइट जो है फ्लैश लाइट है वो ग्लो हो रही है। अब फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं चार्जिंग की, तो मैं इससे आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा। तो मैं इसकी जो है कनेक्शन कर लेता हूँ डाटा केबल वगैरह से और आपको बढ़ती हुई चार्जिंग भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो है 2 एम्प्स के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपनी डाटा केबल को। यहाँ पे मैंने डाटा केबल लगा दी और अब इसे मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स ये पावर बैंक धूप से भी चार्ज हो सकती है। यहाँ पे चार्जिंग चल गई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो अपनी जो बैटरी है वो 84 थी, अब 85 हो चुकी है। इसको थोड़ा सा और चार्ज होने देते हैं। ये बहुत ही फास्टली चार्ज कर रहा है अपने मोबाइल को। यहाँ पे 85 हो चुकी है अपनी 84 से, यानी 1% बैटरी चार्ज कर दी। यहाँ पे अब भी चार्जिंग चल रही है और अभी ये 85 ही है और वेट करते हैं, यानी अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट हुई है। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो कि ये कितना फास्ट चार्ज कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अपनी बैटरी 86% चार्ज हो चुकी है इसी पावर बैंक की मदद से। आप देख लो इसी की डाटा केबल है और आपको टाइम दिखा दूँ 86% चार्ज है यहाँ पर कि अब ये 56 हुई है, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर इसने 1% बैटरी चार्ज कर दी। तो इसकी चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है। तो फ्रेंड्स आप इसे सोलर से भी चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।